नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अब बिहार के फसल उत्पाद हवाई रास्ते से पहुंचेंगे दूसरे राज्य तक। एक बार फिर पटना से बाहर आयोजित होगी बिहार कैबिनेट की बैठक। लालू प्रसाद के नक्शे कदम, तेजस्वी यादव निकालेंगे बेरोजगार रैला। बिहार के मुजफ्फरपुर से धराया लाखों की ठगी करने वाला शख्स। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। एक बार फिर पटना से बाहर आयोजित होगी बिहार कैबिनेट की बैठक। बिहार की राजधानी पटना में सभी सरकारी विभाग मौजूद हैं, जहां सरकार की सारी गतिविधियों का क्रियान्वयन होता है। लेकिन नीतीश सरकार ने कई बार अलग अलग जिलों में कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया हुआ है। अब एक बार फिर से सीएम की कैबिनेट बैठक राजधानी पटना से बाहर दूसरे जिले में आयोजित होने वाली है, जिसे सीएम ने खुद हरी झंडी दिखा दी है। इसके तहत इस बार पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में छठ पूजा के बाद नीतीश कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले दो बार राजगीर में विश्व शांति स्तूप के सभागृह में, एक बार बेगूसराय के बड़बीगी गांव में और साल 2010 में गंगा नदी में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में भी बिहार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। अब जानेंगे बिहार के मौसम का ताजा हाल। नवंबर का महीना शुरू होने में महज 3 दिन बाकी है, लेकिन ठंड की सुगबगाहट अभी से ही शुरू हो गई है। सुबह और शाम के वक्त ठंडी सिहरन वाली हवा के चलने से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि दिन चढ़ने के बाद धूप निकलने से हल्की गर्माहट खूब भा रही है। अगर तापमान की बात करें तो आज राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 28 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल में बारिश जैसी कोई स्थिति नहीं बनी है। हालांकि पटना को छोड़कर भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर आदि शहरों में रात में लोगों को ठंड अधिक महसूस होगी। आने वाले करीब एक सप्ताह तक इसी तरह का तापमान सूबे के कई जिलों में रहने वाला है। बिहार में दो जजों का किया गया ट्रांसफर पोस्टिंग। सूबे बिहार के न्यायिक महकमे में बीते दिन फेरबदल की गई है, जिसके तहत दो जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। इस तबादले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक शिवहर के सब जज सह ACJM और विक्रमगंज रोहतास के सब जज ललन जी को ट्रांसफर पोस्टिंग श्रम संसाधन विभाग पटना के अधीन दे दी गई है। इसके तहत शिवहर के सब जज सह ACJM प्रमोद कुमार पांडे को डालमिया नगर स्थित श्रम न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, जबकि विक्रमगंज रोहतास के सब जज ललन जी को मुजफ्फरपुर स्थित श्रम न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है। बीएड कॉलेज में छात्रों के नामांकन में देरी होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। बिहार में सत्र 2021-22 में विभिन्न यूनिवर्सिटी में बीएड के 33,000 सीटों पर नामांकन होना है। इसके लिए बीएड एंट्रेंस परीक्षा अगस्त महीने में ही ले ली गई थी, जिसके बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन अब तक दाखिला लेने की प्रक्रिया सही से नहीं हो रही है। इसे लेकर पटना हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और नोडल यूनिवर्सिटी LNMU के कुलपति को आज तलब किया है। कोर्ट ने काउंसिलिंग के तौर तरीके में पारदर्शिता की कमी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि इस दाखिला प्रक्रिया में देरी को लेकर सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिट याचिका डाली गई थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक प्रवेश परीक्षा देकर 88,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, फिर भी अब तक 50% सीट पर ही नामांकन हुआ है। वही काउंसलिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की भी बात कही गई है, जिसे लेकर ही कोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर से धराया लाखों की ठगी करने वाला शख्स। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले ठग को पकड़ने के लिए दो राज्यों की पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है और आखिरकार यह शातिर ठगबाज लाखों रुपए के साथ धरा गया। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार ठग मुजफ्फरपुर के फतेहाबाद का रहने वाला शमशाद बताया गया है, जिस पर 30 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। बताया गया है कि मुंबई में शमशाद पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। यह लोगों को सही माल दिखाकर गलत और खराब चीजें बेचकर ठगी करता था, जिसके मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की मदद से आरोपी ठग शमशाद को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास ठगी के 30 लाख रुपए में से 16 लाख नगद भी बरामद किए गए हैं। बिहार में 5 जिलों से नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। सूबे बिहार में ताजा आंकड़ों में कोरोना के मामले पहले की अपेक्षा थोड़े बढ़े हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से रिलीज किए गए बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 5 जिलों से कुल 5 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें बेगूसराय, भागलपुर, पटना, सारण और वैशाली जिलों से एक एक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 4 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 40 हो गई है। तो वही रिकवरी दर में सुधार होकर यह 98.66% पर पहुंच गया है।
छात्रों द्वारा बनाए गए सिस्टम से बाढ़ का लग सकेगा अब पता। बिहार में बाढ़ की समस्या तो आम बात है, हर साल बरसात के मौसम में बिहार के कई जिलों का डूबना लगभग तय माना जाता है। इस बीच भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ने एक खास उपकरण का इजाद किया है। सबसे खास बात यह है कि इस उपकरण से आसानी से यह पता लग सकेगा कि बाढ़ की परिस्थिति में कितने समय में कैंपस में पानी भर जाएगा। बाढ़ की विभीषिका देख बीईसी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर के छात्र आकाश सागर ने फ्लड डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया है जो कि बाढ़ के खतरे को समय रहते भाप लेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस डिवाइस के जरिए 15 मिनट से लेकर 72 घंटे तक का पूर्वानुमान बताया जा सकता है। सीनियर विमेंस वनडे टूर्नामेंट में शुरू हुआ बिहार महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला। बीसीसीआई द्वारा आयोजित सीनियर विमेंस वनडे टूर्नामेंट में आज बिहार की महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला अरुणाचल प्रदेश की टीम से शुरू हुआ। बताते चले कि इससे पहले बीते दिन कोलकाता में अपने अभ्यास सत्र में बिहार की टीम ने जमकर प्रयास किया था, जिसका नतीजा आज क्रिकेट ग्राउंड में दिखने वाला है। बिहार टीम की कोच नीतू सिंह ने कहा है कि टीम में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए बिहार टीम के जीतने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें कि बिहार सीनियर महिला टीम का दूसरा मुकाबला कल मणिपुर के साथ होने वाला है, जिसके बाद क्रमशः मेघालय, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और नागालैंड की टीम के साथ खेल आयोजित होगा। हाजीपुर के प्रमोद भगत समेत 11 खिलाड़ियों के लिए खेल रत्न पुरस्कार की हुई सिफारिश। साल 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए बीते दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने 11 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है। इनमें बिहार के हाजीपुर के लाल और हाल में हुए पैरालंपिक में बैडमिंटन में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले प्रमोद भगत का भी नाम शामिल है। आपको बताते चले कि इन 11 खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक जैवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, क्रिकेटर मिताली राज, सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, फुटबॉलर सुनील छेत्री, हॉकी गोलकीपर श्रीजेश, मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन, पैरा शूटर एम नरवाल, पैरा भाला फेंक सुमित अंतिल, पैरा शूटर अवनी लेखरा, पैरा बैडमिंटन प्लेयर कृष्णा नागर और प्रमोद भगत के नामों की सिफारिश की गई है। बता दें कि हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। सर्वे के आधार पर बचे लोगों को टीका के महाअभियान में लगाया जाएगा टीका। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिनों मतदाता सूची के आधार पर एक सर्वे कराया गया था, जिसके मुताबिक 18 से ऊपर वाले करीब 7.5 करोड़ की आबादी में 49 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है, जबकि सर्वे में इनमें से 45 लाख लोगों ने कहा है कि वे वैक्सीन ले लेंगे, जबकि अभी भी 3 से 4 लोग लोगों के मन में टीका को लेकर किसी न किसी वजह से भय और भ्रम बना हुआ है। इसे लेकर अब ऐसे लोगों के डर को भगाने के प्रयास किए जाएंगे और टीका लगाने को लेकर प्रेरित किया जाएगा। इसे लेकर आज टीका का महाअभियान चलाया गया है, जिसमें बिना लक्ष्य के छूटे हुए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बताते चले कि सर्वे में करीब 6.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे, जिनके घर घर जाकर आंगनबाड़ी सेविका, आशा और ANM ने लोगों से पूछताछ की थी। महाबोधि मंदिर और दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था होगी और भी ज्यादा पुख्ता। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर खुलने के बाद से ही वहां पहले की भांति देश विदेश के श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट से भी कई यात्री उड़ानें शुरू हो गई हैं, जिसे लेकर इनकी सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से मजबूत की जा रही है। इसे लेकर अब इनकी सुरक्षा में तैनात बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल को कई खास अधिकार दिए गए हैं। गृह विभाग की तरफ से इन्हें किसी भी संदिग्ध की तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है और इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके तहत अब अधिकारी बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के भी किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकेंगे। बताते चले कि महाबोधि मंदिर और दरभंगा एयरपोर्ट के अलावे आने वाले समय में अन्य धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा की जिम्मेवारी BSAP को दिया जा सकता है। अब बिहार के फसल उत्पाद हवाई रास्ते से पहुंचेंगे दूसरे राज्य तक। बिहार की फेमस लीची अब हवाई यान के जरिए दूसरे राज्यों तक एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि फसलों के सड़ने गलने का भी कोई खतरा नहीं होगा। दरअसल बीते दिन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार की कृषि उड़ान 2.0 स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत किसानों के उत्पाद को एक जगह से दूसरे जगह हवाई यात्रा से जल्द पहुंचाया जाएगा, ताकि वो खराब ना हो और किसान ताजा सामान बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। इसके तहत 53 एयरपोर्ट से किसानों के सामान की आवाजाही होगी। योजना के तहत कई टर्मिनल और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रूट्स भी बनाए जाएंगे। इसके तहत 2023-24 में आगरा, दरभंगा, गया, ग्वालियर, पेंक्योंग, पंतनगर, शिलांग, शिमला, उदयपुर और वडोदरा में एक हब और स्पोक मॉडल बनाया जाएगा।
पीएमसीएच के इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी रही ठप। बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल पीएमसीएच में आज इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, जिस वजह से ओपीडी सेवा भी दिन भर बाधित रही। दरअसल इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार ने 5 सालों से स्टाइपेंड के रुपए नहीं बढ़ाए हैं, जिस कारण से उन्होंने कई बार मांगे भी उठाई लेकिन नतीजा सिफर रहा, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल का रुख अख्तियार किया। वहीं इस हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवा भी प्रभावित रही, जिसका असर वहां आने वाले मरीजों पर भी दिख रहा है। वहीं हड़ताली इंटर्न डॉक्टर अपनी मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहने की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद के नक्श कदम, तेजस्वी यादव निकालेंगे बेरोजगार रैला। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सत्ता और विरासत संभालने के लिए उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव खुद को मजबूती से तैयार करते देखे जा रहे हैं, और अब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के 25 साल पुराने महागरीब रैला की तर्ज पर ही बेरोजगार रैला निकालकर सरकार को घेरने वाले हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने बीते दिन अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बात का ऐलान किया कि वे जल्द ही बिहार में देश का सबसे बड़ा बेरोजगार रैला निकालने वाले हैं। इस रैले में वे बेरोजगार युवाओं की टोली को एकजुट करने वाले हैं, जिसका सीधा मकसद बिहार की सरकार को घेरना होगा। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के पिता और राजद सुप्रीमो भी अपने युवा दिनों में 90 के दशक से ही ऐसी रैलियां करते आ रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय टीम के जीत को लेकर दी प्रतिक्रिया। T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत को अपने पहले मैच में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले भारत को ट्रॉफी जीतने का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन पहले मुकाबले में हार के बाद टीम की उम्मीदों को झटका लगा है। हालांकि पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का अभी भी मानना है कि भारत टूर्नामेंट जीतने के लिए फेवरेट है। वीरोगिरी.com के एक नए एपिसोड में एक सवाल में वीरेंद्र सहवाग ने जवाब दिया कि उनके हिसाब से यह T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ही जीतेगी, उन्हें यहाँ केवल बेहतर क्रिकेट खेलना होगा। हम हमेशा अपनी टीम के लिए खुश होते हैं जब वह जीतती है, लेकिन जब वह हार जाती है तो हमें और अधिक सपोर्ट करने की जरूरत है। इसलिए उनका मानना है कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार की नीतीश सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए तेजी के साथ काम कर रही है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।